ते हुए आओ नाचते हुए, क्या खुश नहीं है? ओके 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 ओके, सुनो सारे सुनो, ओके ठीक है ठीक है, बहुत है तो सुनो सब सुनो। ये ढोलक किस चीज की खुशी में मनाया जा रहा है पता है? ये अपनी गवाही, ये आज अपनी गवाही बताने वाले हैं और ये इतने खुश हैं, ये ढोल के साथ आज अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। बोलो क्या आए हैं? ठीक है रुको रुको भी, ये ढोल के साथ अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। आप भी तैयार हो ऐसे गवाही देने के लिए, खुदावंद की महिमा करने के लिए तैयार हो? तो वो भी तैयार है। सुनो, सबसे पहले हम गवाही सुनते हैं कि जिस चीज के लिए ये इतनी खुशी के साथ, इतनी तैयारी के साथ, ढोलक के साथ आए अपनी गवाही देने के लिए, वो क्या काम है जो खुदावंद ने इनकी जिंदगी में किया। चलो सुनते हैं सब, ठीक है सब? जितने भी ये सारे साइड पे आ जाओ ताकि पीछे वालों को भी नजर आए, सब एक साइड पे हो जाओ, ठीक है? इन्हें आगे ले आओ सबको। हालेलुया, तो जे सिस्टर का नाम अमरी कौर है और जिनके बेटा है और जे अपने खुशी के साथ गवाही देने के लिए आए हैं। और सबसे पहले हम इनकी गवाही को बताएंगे। सिस्टर का नाम अमरीक और जे मत्ते नगर गांव के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि इनकी मैरिज को 38 साल हो गए हैं और जैसे ही जे बता रहे कि जिस दिन इनकी शादी हुई थी और जिस दिन जे अपने घर अपने ससुराल में आए और उस दिन ही जब रात के समय जो सोए थे तो जब बता रहे कि जोर से किसी ने इनकी दोनों बाजू को खींचा और उस समय इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न आ गई और जैसे कि जकड़न आने के बाद बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा का प्रभाव शुरू हो गया। और जब बता रहे हैं कि उस दिन से ही दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि इनको कुछ भी पता नहीं चलता था। दिन में किसी भी समय दुष्ट आत्मा का अटैक जिस सिस्टर के बॉडी में आ जाता था और जब बता रही कि जब जे चारपाई पर होते थे उस समय भी दुष्ट आत्मा इनको चारपाई से नीचे भी गिरा देता था, गिर जाते थे। और जब इनकी फैमिली इनको पकड़ते थे तो जे इनके वश में इनके काबू में नहीं थे आते क्योंकि जे बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनके शरीर में आ जाता था और पूरा इनको कोई समझ नहीं आती थी और जे बहुत परेशान हो चुके थे, इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा का प्रभाव था। और उस समय जब बता रहे कि जब अपनी धार्मिकता तो कर रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर जे सिस्टर ने बताया कि फिर जे सियाने तांत्रिक बाबों के पास इन्होंने जाना शुरू किया और इन्होंने बहुत सारे जे बता रही कि गिनती कोई नहीं है इतने सारे जे बाबों के पास गए, इन्होंने बहुत सारे पैसे भी दिए, हवन भी करवाए और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना ज़्यादा था। और जिसके कारण जे बता रहे कि इनकी जो एज थी वो 29 साल होगी और जे प्रेग्नेंट नहीं थे हो पा रहे ना ही जे अपना बेबी कंसीव कर पा रहे थे। इन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स भी करवाई और वो भी सब नॉर्मल ही आ रही थी और दुष्ट आत्मा के कारण ही इनके इनके जीवन में जे बेबी की आशीष नहीं थी आ रही और जे काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जे बता रही कि जब 29 साल की एज इनकी हो गई सिस्टर की, फिर इनके घर में पहले इनकी जो बेटी हुई और जब 23 साल की इनकी एज हुई फिर इनका जो बेटा हुआ। और जब बता रहे कि इन्होंने दुष्ट आत्मा के प्रभाव में ही इनके इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी सही तरह से नहीं की क्योंकि जी बहुत परेशान हो चुके थे, इनको गुस्सा बहुत आता था, इनके घर में शांति नहीं थी और दुष्ट आत्मा के कारण इनको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ थी क्योंकि दुष्ट आत्मा के कारण ही इनके माइंड को इनके दिमाग को
कंट्रोल कर लिया था, इनको कोई समझ नहीं आती थी, कोई भी काम करते इनको बोल जाता था, जब इनको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे काम करो। जहाँ तक जो बता रहे कि इनकी टांगों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि पैरालाइज का अटैक हो जाता है, और उसके कारण दुष्ट आत्मा ने इनकी टांगों को भी जकड़ लिया था, और जो इनका उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और जो बहुत ही परेशान हो चुके थे, और जिन्होंने सब कुछ कर लिया था पर इनको कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर जो बता रहे कि किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी, और जैसे जो फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मनिस्ट्री में तो आए, पर जे अपनी प्रॉब्लम के कारण नहीं, जे अपने बेटे की प्रॉब्लम के कारण आए थे, क्योंकि जो इनका बेटा है 9 महीने हो गए थे, उसको दौरे का अटैक्स आते थे, और 9 महीने से बहुत ही ज़्यादा अटैक आते थे। जे बता रहे कि दिन में 7 से 8 दौरे, और रात के समय तो गिनती ही कोई नहीं थी, इतने ज़्यादा दौरे पड़ते थे, और जे बहुत परेशान थे, क्योंकि जब भी जे नहाता था उस समय भी इसको दौरों का अटैक आ जाता था। जब जे टॉयलेट जा गया होता उस समय, अगर जे स्कूल में जाता तो स्कूल में भी यही प्रॉब्लम थी, तो स्कूल वालों ने बोल दिया था, इनके टीचर्स ने, कि आप इसको स्कूल में ना भेजो, क्योंकि जो बाकी के बच्चे हैं वो भी परेशान हो जाते, वो डर जाते जब इसको दौरे का अटैक पड़ता है। तो जिसके कारण इनका मन बहुत दुखी हो गया, जे बहुत परेशान हो गए, और जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। फिर जैसे ये फर्स्ट टाइम इन्होंने 15 अप्रैल की मीटिंग को अटेंड किया, और इनको प्रभु के बारे में और भी उत्साहित किया गया। फिर इन्होंने पर्सनल प्रभु के दास के साथ भी मीटिंग की, और जैसे कि इनको प्रभु के बारे में बताया गया, और जी फिर थर्सडे संडे हर एक मीटिंग को अटेंड करते रहे, और जैसे ही 2 जून की मीटिंग इन्होंने अटेंड की, और प्रभु के दास मास प्रेयर कर रहे थे, और दुष्ट आत्मा इस सिस्टर के जीवन पर प्रकट हो गया। आओ हम अब इस वीडियो को देखेंगे। ओए शैतान, इधर देख, इसे खड़ा करो, सामने सीधा करो, भारी है थोड़ा सा। ओए इधर देख, ओए शैतान, इधर देख, अदर आके खोल, देख तेरे सामने कौन है। ओ शैतान, इधर देख, बोल नाम की है तेरा, इधर देख, की नाम है तेरा, हाँ शैतान है, कौन सा शैतान है तू, क्यों पकड़ा तूने ऐसे, हाँ बोल, क्यों पकड़ा ऐसे तूने, हाँ इसके बच्चे, हाँ की कितना है, पकड़ाया मगर लाया मिनू, मगर लाया है, चल आज फिर तेरा लास्ट, आज तेरा अंत है, पता है इसके बच्चे को तूने बीमार किया है, हाँ इसके बच्चे को तूने बीमार किया ना, कितना, हाँ कितना ही, क्या क्या किया तूने और बता, सब करता बेटा कर, कितना ही, चल आज फिर तेरा आज लास्ट दिन है, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत है, ये अधिकार तेनू किन्ने देता, इधर देख, ओ शैतान, इधर देख, मेरी तरफ देख, इधर देख, ऊपर देख, देख मुझे जानता है ना मैं कौन हूं, बता मैं कौन हूं, हाँ कौन हूं मैं, यीशु हूं, मैं उसका दास हूं, और वो मेरे अंदर काम करता है, करता है ना, पता है ना, चलो उसी यीशु के नाम से, जिसके तू पांव के नीचे, इसके बच्चे के जीवन से, इसके जीवन से, इसके पति के, इसके फैमिली के, इसके घराने से आउट, चल पूरी तरह से निकल, चल जिसने भी तुझे भेजा आज, हर जादू टूना किया कराया जो खाया पिया, आज तेरे हर एक शैतान तेरे बंधन को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, चल आउट, उखड़ यीशु के नाम से पूरी तरह से उखड़ आउट, चल शट, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से गंदी आत्मा, चल शैतान, उखड़ पूरी तरह से इसकी बॉडी से, शट फ्री फ्री। और जैसे ही दुष्ट आत्मा इनके ऊपर प्रकट हो गया, और जैसे ही प्रभु के दास ने कमांड की, और ये उस दिन से फ्री हो गए। पर
जब फ्रीत हो गए, पर जब बताते कि जब भी जे अपने घर जाते थे फिर से इनकी बॉडी में भारीपन आ जाता था और जिसके कारण जे फिर परेशान थे। और जे बता रहे कि जब भी जे ऐसे मीटिंग में आते और कभी कई बार ऐसे दुष्ट आत्मा फिर इनके इनके ऊपर प्रकट हो जाता था, पर इन्होंने फिर से पर्सनल मीटिंग जे करते रहे और फिर से प्रभु के दास ने इनको टीच किया। और फिर जे सिस्टर 9 जून की मीटिंग में आए और उस दिन जैसे ही प्रभु के दास को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने जैसे अगुवाई की और उस दिन इसका लास्ट दिन था। पहले अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तेरा काम शैतान इसके जीवन से खत्म हो चुका, मेरा ये बलीव है मेरे खुदा पर, उठाओ इसे। ये इसकी मैंने आज इसकी युक्ति को मैंने समझा है। जिस चीज के लिए ये शैतान आता है ना, ये सोचेगा फिर इसे कमांड करेंगे, निकालेंगे और हम सोचेंगे हम अपना मन खराब करेंगे। ये क्यों आता है, बार बार क्यों आता? ऐसे ऐसे हाँ शैतान, तुझे अगर तू सुन रहा है, तुझे कभी नहीं, आज के बाद पहली बात आज से मैं वो विश्वास करता हूं जो मूसा ने इज़राइलियों के लिए किया कि जिन मिश्रियों को तुम आज देखते हो दोबारा कभी नहीं देखोगे। शैतान मैं यही विश्वास करता हूं, मैं तुझे आज के दोबारा कभी ना देखूं, मैं इसके जीवन में कभी ना देखूं। अगर आप भी मेरे साथ मिलकर विश्वास करते हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ ना हो, वो हमें ना बताए, तो हम हर दिन उसको निकालने में लगे रहे। पर परमेश्वर कभी कभी हमारी सोच से बाहर भी बताता है, इसे हम विश्वास करेंगे। जो काम उसने कर दिया है हम उससे लड़ेंगे नहीं, ऐसे विश्वास करेंगे और धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उसने काम अपना पूरा कर दिया है। इसलिए अब विश्वास करो, आज से कोई डर नहीं रखना। डर रखना तो खुदा का, उसकी आज्ञाओं को मानना। शैतान इसलिए वो चीज लेकर आता है ताकि वो हमारे मन को भी खराब करें, हम भी सोचें कि फिर से ये क्यों आ रहा है बार बार। समझ आ रही है? तो परमेश्वर महान है जो हमारे साथ है। हम सबसे पहले उसके लिए तारीफ करेंगे और अपनी गवाही के लिए। और जैसे उस दिन जो दुष्ट आत्मा का लास्ट दिन था, जो वर्ड परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने अपने दास को दिया, और जैसे ही इन्होंने भी विश्वास किया, रिसीव किया, और उस दिन से जो बिल्कुल अच्छे तो हो गए, पर उसके बाद जो तो अच्छे हो गए पर उसके बाद जो इनका जो बेटा था उसको जो दौरे का अटैक्स था बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अभी उसकी प्रॉब्लम गई नहीं थी और वो भी काफ़ी इससे अभी जो परेशान थे। और जो बता रहे थे कि जैसे सुबह के जो 7 से 8 दौरे का अटैक पड़ते थे उससे कुछ कम हो गए थे, पर रात के समय बहुत ज़्यादा थे। रात के समय जो पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे, जिसके कारण जे भी बीमार पड़ जाते थे ना सोने के कारण। घर का काम भी बहुत था, इनके पशु भी थे, और जिसके कारण जे अभी बहुत परेशान थे। और जैसे फिर से इन्होंने प्रभु के दास के, और जैसे रात के समय भी इनको दौरे पड़ते थे। पहले अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे इनके बेटे की। लगे फोटो ऑन ही अच्छी ये कोई नहीं था कोई नहीं वो जल्दी में फोटो ले लेते हैं। जब इसको दौरे पड़ते थे तो इसका जो बाथरूम था वो भी बीच ही निकल जाता था, और उसके कारण जब काफ़ी परेशान हो जाते थे, और ऐसे कहीं किसी भी जगह पर जब गिर जाता था, उस कई बार तो इसको चोट भी लगी थी इस प्रॉब्लम के कारण, और जिसके कारण जी काफ़ी अभी परेशान थे। फिर से इन्होंने प्रभु के दास के साथ मीटिंग की, और जैसे ही प्रभु के दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने दास के मन में डाला और इनको बताया कि आप कुछ दिन भवन में रुको, क्योंकि इनका पशुओं का भी काम था। और जैसे जी शाम को अपना सारा काम कर रात के समय जब भवन में रुकते थे, और जब भी रात के समय अगर दौरों का प्रॉब्लम आती भी तो जैसे भवन में टीम इनको उत्साहित करती, इनके विश्वास को और भी बढ़ाती, और जो प्रार्थना में बढ़ते रहे, और जो कुछ दिन भवन में रुके। और फिर
रात के समय जो दौरे थे उनका भी कुछ प्रभाव जो कम हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था इनके पशुओं के जीवन में आ गया, जिसके कारण जो फिर से परेशान हो गए, क्योंकि दुष्ट आत्मा का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि इनके दो पशुओं की डेथ हो गई, जिसके कारण जो इनका विश्वास था बहुत ज़्यादा इनका मन निराश हो गया, जी उदास हो गए, इनका विश्वास बन नहीं रहा था और जी काफ़ी परेशान हो गए, जिसके कारण अभी तो जो प्रॉब्लम थी इनके बेटे में कुछ है थी अभी पूरी तरह से वो भी हील नहीं हुआ था, और जी फिर काफ़ी परेशान हो गए कि अभी हमारे बेटे के जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो अच्छी हो गई थी और जो पशुओं के वो भी प्रॉब्लम इनके सामने आ गई, जिसके कारण जी काफ़ी इनका मन परेशान हो गया। और फिर से इन्होंने ऐसे प्रभु के दास के साथ पर्सनल मीटिंग की, इन्होंने जैसे इनका मन निराश होता था जी हर बार ये पर्सनल मीटिंग करते थे और ताकि जी सीखते रहे, और जैसे इन्होंने पर्सनल मीटिंग की और फिर प्रभु के दास ने परमेश्वर के सन्मुख गए और उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपने दास के मन में सुभिषय को लगाया कि जैसे आपको कुछ समय आपको टीम रोज ही प्रार्थना करवाएगी और अपने पीछे पीछे प्रार्थना करनी है, और जैसे ही टीम ने इनको रोज ही रात के समय इनको अच्छे अंगीकार की प्रार्थना करानी शुरू करा दी, पॉजिटिव विश्वास की प्रार्थना, और जैसे जी रोज ही प्रार्थना करते रहे और जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था जो इनके पशुओं के जीवन में था और प्लस जो इनके बेटे के जीवन में दौरों का अटैक था उसका प्रभाव भी कम होता गया, और आज इनका जो बेटा है पूरी तरह से दौरों का जो प्रॉब्लम थी उससे पूरी तरह से फ्री हो चुका है, जो कि स्कूल वालों ने कहा था कि इनको स्कूल मत भेजना, अभी से इनका बेटा स्कूल भी जा रहा है, पहले हम उस वीडियो को भी देखेंगे। नहीं तो स्कूल वाले बच्चों में इसको नहीं थे बिठाते और जिसके कारण बच्चों का भी मन निराश हो जाता था, इनके पेरेंट्स का भी मन निराश हो जाता था, पर आज परमेश्वर ने इस बच्चे को जो दौरों का अटैक था प्रभाव था उससे भी अच्छा किया, इसकी मदर के जीवन में जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था उससे भी अच्छा किया, इनके पशुओं को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, और आज जो कि इन्होंने 38 साल में कोई भी खुशी नहीं थी मनाई, इनका जो जीवन था वो दुखों में बीता और जिसके कारण जो परेशानी रहते थे, आज परमेश्वर ने सब प्रॉब्लम से इनको आज़ाद कर दिया और आज ये खुशी से ढोल के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं, और जब प्रभु का और प्रभु के दास का बहुत सारा धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया पूरी जोर से। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदाबंद कहता यही मौजज़े हो ये तू के हुज़ूर, तू है खुदा करेगा जरूर, मौजज़े हो ये तू के हुज़ूर, तू है खुदा करेगा जरूर, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, मेरा खुदा बंद कहता यही मौजज़े हो ये तू के अधूर, तू है खुदा करेगा जरूर, मौजज़े हो ये तू के अधूर, तू है खुदा करेगा जरूर, मौजज़े हो ये तू के अधूर, तू है खुदा करेगा जरूर। की खुशी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गया, क्या आ गए मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मैं उस दिन इतना खुश नहीं हुआ जिस दिन परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, पहला और दूसरा, जितना खुश मैं जब खुदावंद किसी के जीवन में काम करता, और इनकी खुशी देखकर ही आज मेरी आंखों में आंसू आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम खुदा ने किया, छोटा नहीं, 38 साल हो गए जब से ये सिस्टर, जब से इन भाई साहब के साथ शादी हुई, पहले दिन ही जैसे जिस दिन शादी हुई और अपने ससुराल आई उसी दिन दुष्ट आत्मा ने के प्रभाव के अंदर आ गई, दुष्ट आत्मा ने जकड़ ली,
38 साल इनके गुजरे दुखों में, 29 साल बाद बच्चे हुए, 29 साल बाद में बेटी हुई, बेटा, और ऐसे दुष्ट आत्मा के प्रभाव के अंदर ही इन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की, अच्छे तरीके से भी नहीं कर पाई। ठीक है, इतनी खुशी तो थी, पर दुष्ट आत्मा के कारण इनकी पूरी बॉडी जकड़ी हुई थी। पता नहीं ये कितने तांत्रिक बाबाओं के पास गए, कितने पैसे खर्च किए, क्या कुछ किया, बोलो क्या है, कहीं से भी कुछ नहीं, अपनी धार्मिकता की, दिल से की, जो कुछ किसी ने कहा इन्होंने किया, और सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए यीशु, हम क्यों कहते हैं यीशु किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए। अगर ये सत्य, ये सच्चाई इन्होंने ना जानी होती तो ये सोचते नहीं ये भी धर्म है, पर इन्हें पता चला है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि मैंने जो इन्हें कहा इन्होंने माना, इन्होंने पूरा किया। जैसे कई लोगों को कहो ना कल आना, वो नो 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 जी कल तो टाइम नहीं है, कल नहीं टाइम है, आज तो हम बड़ी मुश्किल से यहां आए, डॉक्टर को नहीं बोलेंगे, डॉक्टर अगर रोज बुलाए, हफ्ता बुलाए तो वो जाएंगे। तो जो डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है, अगर वो आपके लिए कुछ कहता है, अब वो डायरेक्ट तो कहेगा नहीं, वो तो अपने चुने हुए के द्वारा ही बात करेगा ना। जैसे जो मैंने इन्हें कहा इन्होंने किया, बोलो क्या है? हर संडे वीरवार रेगुलर, कितने महीने पहले ये आए थे? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को आए, और ये अगस्त है, अगस्त 8 है। जब से आए इन्होंने एक भी मीटिंग मिस नहीं कही, संडे वीरवार, संडे वीरवार, संडे लगा, पर करने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, क्योंकि समझ नहीं आ रही कैसे होगा, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। एक तो बेटे के कारण बहुत परेशान थे, दिन में दौरे, रात को कितनी बार दौरे, फिर मैंने खुदामंद से ऐसे बात की मैंने इनके लिए, तो मैंने कहा फिर आप अपना काम काज करके शाम को चर्च आ जाओ, इनके पशु है, खेती बाड़ी का इनका काम है। तुमने कहा ठीक है जी, जैसे आप कहते हो आगे, ऐसा नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं, महाना नहीं जी हमारे पशु हैं, ऐसा नहीं हम नहीं आ सकते, किया इन्होंने जैसा मैंने कहा इन्होंने किया। रोज शाम को आते हैं, रोज संडे की मीटिंग आ गई, वीरवार की मीटिंग आ गई, संडे की मीटिंग, यहां से घर जाते थे कितनी दूर है, ये अजनाले के करीब इनका गांव है, अजनाले, वहां से शाम संडे की मीटिंग अटेंड करे, फिर शाम को आ रहे, वीरवार की मीटिंग आ रहे, सोमवार, हर दिन आ रहे, रोज रोज। में भी हमने इन्हें 5-7 दिन यहां पे रखा रात, उसे प्रभाव कम तो हुआ, पर दूसरी शायद शैतान ने यह काम कर दिया कि 2 पशुओं की डेथ कर, समझ आ रही है। अच्छा है कि इन्होंने खुदामंद का पल्ला नहीं छोड़ा, जैसे लोग तो थोड़ा सा लात आ जाए तो मन खराब हो गए, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे, मैं भी टीच करता रहा, कुछ नहीं होगा, देखना सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बने रहे, बने रहे। फिर भी बनने के बावजूद भी ये जो हालात थे इनके सही नहीं हो रहे। फिर मैंने फिर से प्रार्थना की और खुदावंद ने मेरे मन में डाला कि इन्हें एवरीडे रोज प्रेयर कराओ, क्योंकि पशुओं की डेथ होने के कारण फिर किन का विश्वास भी नहीं बन रहा था, इनसे प्रार्थना भी नहीं हो। फिर मैंने टीम को कहा रोज एवरीडे शाम को इनको प्रार्थना करनी शुरू की, पीछे पीछे इनको बोलना बोलो, और जैसे जैसे वो काम करना शुरू किया, आज आपके सामने 38 साल का दुष्ट आत्मा का प्रभाव से भी फ्री है, जो बच्चा था आज आपने देखा वीडियो में, हाँ, क्योंकि ये आधी मेहनत हमारी है और आधी इनकी है, बोलो क्या है, आधी मेहनत हमारी और आधी इनकी है, जितनी हमने की उतनी मेहनत इन्होंने भी की। कब खुदावंद बड़े मौजज़े, बड़े काम प्रकट करता, बड़े मिरेकल करता, जब हम ऐसे मन तैयार करते। अगर इजरायली कहते हैं, इजरायलियों को उसने कहा जरीहो की दीवार एक रुकावट आ गई, उस आशीष कनान को लेने की जो आशीष थी, तो जरीहो एक रुकावट थी वो दीवार, तो परमेश्वर ने अपने दास होशू को कहा कि इन लोगों को बोल रोज इस दीवार का 6 दिन तक रोज चक्कर लगाए, बहुत लंबी द्वार थी,
और कितने बजे? भोर को। भोर मतलब मे बी 4:30 उठना है और रोज चक्कर लगाना 4 बजे उठकर। अगर वो कहते नहीं ये बहुत काम होगा, हमारे तो छोटे बच्चे हैं, ये कैसे होगा? हाँ हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये औखा है, हम कैसे करें? कितनों को समझ आ रही है? अगर वो ऐसे बोलते तो वो कनान जो वो जिसे बोलते हैं एंड प्रोटेक्ट, एंड मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा, ऐसे खुदा ने उस देश को आशीष दी। समझ आ रही? तो अगर वो ऐसे बोल देते कि नहीं हमसे नहीं होगा, किया उन्होंने, फिर कैसे कहा 6 दिन तुम 6 चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 बार लगाना। ओ बाप रे, 6 दिन में एक चक्कर बड़ी मुश्किल से लग रहा है, 7वें दिन 7 चक्कर, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, छोड़ दो, हम नहीं, हम वापस जाएंगे, गुलामी में जाएंगे। अगर वो ऐसा ना करते तो वो आशीष मिलती ना। इसीलिए ये आशीष जो ढोलक के, ये खुशी, ये आज बेटा फ्री है, ये सिस्टर 38 साल के दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आज फ्री है, इतना कुछ किया, इतने पैसे, हमन पता नहीं कहां कहां गए, कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ इनकी मेहनत से हुआ। मैंने जो सिखाया इन्होंने किया। अगर जैसे यीशु मसीह ने कंधे की आंखों पे मिट्टी लगाई और कहा जाके धोला चिलियों कुंड में, पता नहीं वो कितनी दूर है, 10, 15, 20, 30, अगर वो जाता ना, यीशु मसीह के उस वचन को मानता ना, आज भी मेरे मुंह से यीशु मसीह बोलता आपके लिए, पता है। पर कुछ लोग शरीर, जैसे पौलुस कहता, कुछ लोग उसे मनुष्यों का समझ कर लेते हैं। कैसे लेते हैं? मनुष्यों का। इसलिए उसने कहा तसलुकियों की कलीसिया, तुमने मनुष्यों का नहीं किसे किसका समझ कर लिया? परमेश्वर का। इसीलिए वचन आपके जीवन में प्रभावशील हुआ, ऐसे खुदावंद का वचन भी इनके जीवन में प्रभावशील हुआ। 38 साल की गुलामी और प्लस इस बेटे के ऊपर इतना प्रभाव था। इनको पूछो भाई, इनको पूछना, इनकी रातें, इनके दिन कैसे गुजरते थे, पूरी रात सो नहीं पाते थे, कोई खाना रोटी कुछ नहीं, कोई बुरे हाल। आज देखो, मैं जब आ रहे तो मैंने पहचाना नहीं, मैंने कहा ये अमरीकोरी सिस्टर ही है, मैं पहचाना नहीं। आज तो पूरा वैसे लग रहे हैं जैसे पहले दिन की शादी हुई थी। खुदावंद हमारा परमेश्वर ऐसी सालों की खुशियां वो देना जानता है, पर अगर आप लेना जानते हो, बोलोगे जो सालों बर्बाद किए अपनी धार्मिकता में, अपने सब कर्म से, पैसे से, सब कुछ से, उससे भी नहीं मिली खुशी, जो खुशी किसने दी? और इन्होंने भी दम से अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि 38 साल में इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं मनाई, ना बच्चे हुए ना इनकी खुशी। इसलिए आज ढोलक के साथ आए, बड़े आदर के साथ। अच्छा ये केक? अच्छा और भी आदर करना चाहते हैं, ये केक भी है, ये केक है जी। क्या बात है, ये है, इसे बोलते हैं खुदावंद के नाम को आदर देना, ना कि अब काम हो गया कंजूसी करो। हाँ क्या करो, अब काम हो गया जी चलो, ओ नहीं पैसे नहीं है चलो वैसे बोल देने, कोई कंजूसी नहीं। ये बोल रहे थे कि पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, हम पूरी रूह से दिल से खुदावंद का आदर करना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं जानता हूं कि जो खुशी खुदा ने 38 साल बाद दी है, मैं जानता हूं इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं जानता हूं इनके चेहरे से आज पता चल रहा है कि कैसे इस 38 साल के इस कोड से, बीमारियों से जो पीड़ित थे 38 साल तक, पता नहीं कितनी मेडिसिन खाई इन्होंने, कितनी मेडिसिन खाई इन्होंने, बहुत बुरा हाल हुआ, कुछ नहीं हुआ जो आज खुदावंद ने किया। पर मुझे खुशी इसलिए है ज्यादा आज कि इन्होंने बहुत आदर से और जो मैंने समझाया इन्होंने किया, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, हम मंडे नहीं आ सकते जी, हम वीरवार नहीं आ सकते जी, हम मंडे नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास काम है, वो है, कुछ नहीं। काम धंधा देखो, पशु हैं घर में, खेती बाड़ी का काम, छोड़कर आते रहे, रोज रात को रुकते,
अगर बीच में संडे वीरवार आ गया, अब तो सोचेंगे आना, बोलेंगे आज तो संडे, आज तो यहीं से जा रहे हैं, आज रहने दें। नहीं, कोई ऐसा बहाना नहीं, नहीं आज तो संडे, अभी तो हम जा रहे हैं, फिर आए, आज रहने दो ना, आते रहे। मेहनत की और मेहनत का फल, क्यों बाइबल कहती है कि उसमें की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आज अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत कर, खुदावन्द तेरे जीवन में भी ऐसे बड़े चमत्कारों को करना चाहता है, ऐसे ही तेरे जीवन में भी वो बड़ी आशीषों को देना चाहता है। बोलो, क्यों शर्माते हो, बोलो एक दूसरे को, मेहनत कर, उसमें मेहनत कर, वो फल तुझे देगा। अगर आप मेहनत करना जानते हो तो फल देना जानता है। आमीन। ठीक है जी, लाओ, खुदावन्द ने बरकत दे, बजाओ जी, ढोलक ढाल के बजाओ, खुशी से नाचो जो ओ यसु जे तो आलू लू मुस्काया, यसु जे तो आलू लू मुस्काया, यसु जे तो आलू लू मुस्काया, यसु जे तो आलू लू मेरे अंदरों उठी आवाज़, मैं बोले आ नच 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 यसु लई तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, दाऊद जब नचदा सी, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके नचदा सी, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके दाऊद जब नचदा सी, एदा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे भर दे, यसु तेरे प्यार च नचा नचा, ओ यसु तेरे प्यार नचा, ओ यसु तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसु तेरे प्यार च नचा, तेरे इश्क दे गुगुरू पाके, तेरे इश्क दे गुगुरू पाके, तेरे इश्क दे गुगुरू पा, दाऊद जब नचदा सी, ओ सदा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे, यसु तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसु तेरे प्यार च नचा। सुनो, किसी की खुशी हमारी खुशी, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको बताएं, मैंने शेयर किया ना अपने मन की बात, मुझे बहुत खुशी, जब मेरी शादी हुई तब इतना शायद मैं खुश नहीं था जितना आज हूं। समझ आ रही है? इसलिए दिल से करो आज, दिल से आज पता, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, दाऊद जब नचदा सी, रुको ये केक काटनी पहले, हां फिर करना है, ठीक है, बार बार आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ पकड़ चलो बेटा, आ जाओ आ जाओ, हम भी ओके, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, मैं आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि इस परिवार में जो खुदावन आपने बड़ा काम किया, हम दिल से प्रभु धन्यवाद करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि खुदावन जो इस बच्चे के इस परिवार में जो भी बाकी साल है, खुदावन तेरी आशीषों से भरे हों, और ये जैसे जैसे ये बच्चा परमेश्वर ये बड़े, तेरा अनुग्रह बड़े, तेरे नाम को ऊँचा करे, इसके जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले, यस खुदाबंद, और इस परिवार को, इस फैमिली को बहुत बढ़ा चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, ठीक है, गाओ जी, गाओ अभी, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, दाऊद जब नचदा सी, तेरे इश्क ते गुगुरू पाके, तेरे इश्क ते गुगुरू पा, दाऊद जब नचदा सी, एदा दा प्यार मेरे दिल विच भर दे भर दे भर दे भर दे, मैं यसु तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसु तेरे प्यार च नचा, मैं यसु तेरे प्यार च नचा नचा, मैं यसु तेरे प्यार च नचा, मैं यसु तेरे प्यार च नचा,
क्योंकि उसके आनंद की भरपूरी में भरना ही सब कुछ है। मैंने कहा उसके आनंद की भरपूरी में भरना ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि आनंद क्या करता है, समझ आ रही है, बंधनों को तोड़ता है। क्योंकि कहता पौलुस, मैं अपनी विपता में भी घमंड करता हूं, क्या करता हूं, अपनी विपता में भी घमंड करता हूं। अगर आप करना जानते हो तो खुदावंद बड़े कामों को भी करना जानता है। आमीन। इसलिए मैं आपको एक चीज कहता हूं कि जो आज गवाही ये आपने सुनी है, जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, बोलो क्या है, जो ऑनलाइन अभी गवाही देख रहे हैं या बाद में देखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये खुदावंद ने बड़ा काम किया है। इसलिए उसके नाम को आदर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आदर मिलना चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखें, इसे शेयर करना, कमेंट करना, ताकि परमेश्वर के नाम को सलाल मिले और लोगों को पता चले कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है, जो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। आमीन। हालेलुया। अगर आप भी किसी दुख, परेशानी या हालात में हो, या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हो, तो ये हमारे चर्च का एड्रेस है और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हो। आमेन।